हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टाइटल। आज हम जानेंगे आर्टिकल के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आर्टिकल? इसकी डेफिनेशन है ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आइए जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स एज दे डू नॉट पॉइंट आउट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, अ बुक, एन एंजल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जिनमें हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, अ बुक। अब बुक तो कोई सी भी हो सकती है, हमें ये नहीं पता कौन सी बुक, हम ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जिनमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को डिफाइन करते हैं। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल एक ही है, कई सारे नहीं है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल है। अब जानते हैं यूज़ ऑफ ए। ए का यूज़ कहाँ किया जाता है? ए इज़ यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन सिंगुलर नंबर। ए का यूज़ काउंटेबल नाउन से पहले किसी सिंगल पर्सन या प्लेस और थिंग के लिए किया जाता है, सिंगल नंबर के लिए। जैसे कि अ बॉय इज़ वेरी गुड, इसमें लड़का एक है, इसलिए यहाँ पर अ ए लगाया जा रहा है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द ओल्ड मैन नीड अ स्टिक। तो ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति को एक स्टिक चाहिए या एक स्टिक की ज़रूरत है, यानी एक स्टिक की ज़रूरत है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया। दोस्तों, आप ये समझ जाइए कि ए का यूज़ सिंगल चीज़ों के लिए होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ एन, यानी एन का यूज़ कहाँ होता है? बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल ए ई आई ओ यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एन का यूज़ वहाँ होता है जहाँ वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट वॉवल्स हो, यानी ए ई आई ओ यू हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई हैव एन इनपॉट। यहाँ पे एन का यूज़ इनपॉट से पहले हुआ क्योंकि इनपॉट का पहला अल्फ़ाबेट आई है और आई वोवल में आता है, इसलिए यहाँ एन का यूज़ हुआ। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, टॉम वांट्स एन एप्पल। आप इसमें देख रहे हैं एप्पल का पहला वर्ड ए है जो कि वोवल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ द। यूज़ ऑफ द व्हेन द मीनिंग इज स्पेसिफिक। फ्रेंड्स, द का यूज़ किसी भी एक चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप एग्जांपल में देखिए, द सन, यहाँ पे पर्टिकुलरली सन को स्पेसिफाई किया जा रहा है। अब दूसरे एग्जांपल में भी देख लेते हैं, द ताजमहल, यहाँ पे ताजमहल को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया जा रहा है। द डॉग, डॉग कई सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे हम एक डॉग को स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए हमने लगाया है द डॉग। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।